नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं खबर हटा की। क्रिकेट मैच में हार जीत के विवाद को सांप्रदायिक तूल देने के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर हिंदू धर्म संगठनों ने जुलूस निकालकर नारेबाजी की। 3 अलग अलग ज्ञापन सौंपे, हटा। पिछले दिनों क्रिकेट मैच में 2 टीमों के बीच हार जीत को लेकर हुए विवाद में पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा RSS एवं विधायक का नाम घसीटे जाने के बाद हिंदू धर्म संगठनों ने भी मोर्चा खोल दिया। मामूली विवाद और पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के विरुद्ध मुस्लिम समाज के अनेक लोगों ने बुधवार को दमोह जाकर SP को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आरोप लगाया था कि मुस्लिम समाज के 3 युवकों पर विधायक और संघ के दबाव में मामला कायम किया गया है। इस दौरान हिंदू संगठनों पर कई आरोप भी लगाए गए। इसी बीच राजू खान द्वारा फेसबुक ग्रुप पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके विरोध में हिंदू धर्म संगठनों के सैकड़ों लोगों ने राम मंदिर से एक जुलूस निकाला और नारेबाजी करते हुए SDM गगन विसेन को अलग अलग 3 ज्ञापन सौंपे, जिसमें एक ज्ञापन में बोरीग्राम में ईसाई मिशनरी द्वारा धर्मांतरण करने, राजू खान द्वारा फेसबुक पर हिंदू संगठन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, UP उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि के संबंध में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर प्रकरण कायम करने एवं नगर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नगर के सांप्रदायिक संदाप बिगाड़ने के प्रयासों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में मनीष पल्ल्या, पवन राजपूत, बबलू राय, नीरज गोस्वामी, अनुराग वर्धन हजारी, मनीष शर्मा, अनीता खरे, चंद्रभान पटेल, सौमिल हजारी, सुधीर बजाज, मनोज सराफ, मनीष जैन, राहुल सोनी, भोले सराफ, मयंक खटीक, रानू पुरानी, गुट्टू गुप्ता, कपिल गौर, मिक्की बजाज, राजा तंतुवाय आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबर हटा के साथ दीपक पटेल की रिपोर्ट। विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हमारे हिंदू समाज के बच्चों को कुछ लोगों द्वारा सामूहिक रूप से उन पर हमला होता है और हम लोगों ने अगर शिकायत करते हैं तो वो लोग आ जाते हैं और कई बार हम लोग मान गए और राजीनामा हो गया, लेकिन इस बार एक अभय अटिया और एक हमारे दीक्षित जी के बालक को बोरी में मैच के दौरान कुछ बाहर से आए हुए लोगों ने एकदम से हमला किया और उसकी FIR हम लोगों ने दर्ज कराई। तो एक विशेष समुदाय और मुस्लिम समुदाय द्वारा यहाँ पर SDM साहब के यहाँ आकर एक ज्ञापन दिया गया और हमारे माननीय श्री विधायक जी के विरोध में भी नारे लगाए गए और राजू खानदार द्वारा हमारे चंडी जी मंदिर के पुजारी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई और RSS और मोदी जी के खिलाफ टिप्पणी की गई, इसका हम सभी हिंदू संगठन घोर विरोध करने यहाँ आए। मैं हमारे मनीष पल्ल्या जी ने जो कुछ कहा है उसके अलावा भी एक ज्ञापन और दिया गया है, जो ईसाई मिशनरियाँ हैं वो बड़ी बोरी में चर्च के माध्यम से अवैध तरीके से धर्मांतरण करा रही हैं, जो कि विगत कई वर्षों से चल रहा है। शुरुआत में वो यहाँ पर पटेरा नाका के यहाँ होता रहा है, फिर उसके बाद पन्ना नाका के यहाँ होता रहा है, अब ये ईसाई मिशनरियाँ बड़ी बोरी में पहुँच गई हैं और चर्च के माध्यम से धर्मांतरण करा रही हैं गरीब भोले वाले लोगों को बहला फुसला कर। क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग? इस पर प्रशासन को हमने एक ज्ञापन दिया है जिसमें यह मांग की गई है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए और ये अवैध चर्च तुरंत जल्द से जल्द बंद किया जाए। संघ RSS के बारे में भी हाफ चड्डा ये वो करके बहुत कुछ बोला गया है और हमारे बाजू में जो पुजारी जी खड़े हैं इनके लिए कमेंट के माध्यम से भी बहुत अभद्रता की गई है, जिसमें ये बोला गया है कि 800 साल हमने तुम लोगों के ऊपर राज किया है। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 800 साल राज नहीं किया है, केवल टुच्चियाई हरकत करके केवल यहाँ से लूट खसोट की है और 800 आपके वो भी मान लिए जाएँ और 200 और अंग्रेजों के मान लिए जाएँ, 1000 साल का दबा हुआ सनातनी शेर फिर से 75 साल में चिंघाड़ने लगा और आप लोगों ने जो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत 58 देश बनाए थे ना, 58 में से 42 देश कबाड़ा बीन रहे हैं और बाकी के जो 16 देश बसते हैं वो हमारी छींक आने से भी पेशाब कर देते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ के बयान दिया कीजिए, क्योंकि 1000 साल का दबा हुआ शेर केवल 75 साल में खड़ा हो गया। और एक मैं शासन से और मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिमी, PFI, बोको हराम, अलकायदा और बड़े बड़े आतंकी संगठनों की यहाँ सदस्यता कराई जा रही है, उसकी रसीदें काटी जा रही हैं, उसकी प्रशासन से मांग है
कि उन लोगों की जांच की जाए कि कौन आतंकवादी संगठनों के लिए बढ़ावा दे रहा है और कौन कौन हटानगर के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं।